दोस्तों आप सभी को तीज की मुबारकबाद। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की तीज बहुत ही अच्छी रहे, खुशहाली के साथ मनाएं आप। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूं, जो कि मैं अक्सर ससुराल में करती हूं। जैसा कि हमारे यहां पर तीज मनाई जाती है, तो मैं तीज के समय पर ऐसा मेकअप लुक करती हूं, जैसा कि आप आगे की वीडियो में अभी देखेंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके का मेकअप किया है। तो अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेकअप फिक्सर, ये मैक का है, और मैं ये अपने फेस पर पूरे अच्छे से स्प्रे कर लूँगी, ताकि मेरा जो मेकअप है वो दिन भर टिका रहे और मेकअप अच्छे से फिक्स हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का प्राइमर। और मैं ससुराल में जब भी मतलब तीज हमारे यहाँ पर मनाई जाती है, तो मैं इसी तरह से तैयार होती हूँ। मैं ससुराल में ऐसे ही मेकअप करती हूँ। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे 925 CC क्रीम, और मैं इसकी हेल्प से अपना मेकअप आज करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी क्रीम है, जल्दी ब्लेंड हो जाती है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है, और इसे मैं अपनी आईज़ पर भी लगा लूँगी। और नेक्स्ट मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करते हुए सेट कर लूँगी। और फाउंडेशन हो या सीसी क्रीम हो, अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। इसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने जो सीसी क्रीम मैंने लगाई है उसे सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ। मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा कवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ। इसे मैं ब्रश की हेल्प से लगाना ज़्यादा इजी समझती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ब्रश की हेल्प से इस तरह से सेट करना। अब मैं इसी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को भी अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये एक एंगुलर ब्रश ले रही हूँ, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूँगी अच्छे से। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। और ये वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है, इसीलिए मैं इसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, और इसे मैं अपने आउटर वी पर प्लेस करूँगी, और थोड़ा थोड़ा मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पर भी लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं इसे यहाँ पर ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। और अब मैं यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को लगा रही हूँ, ताकि जो मैं इसके बाद आई शेडो लगाऊँ वो अच्छे से स्टिक हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपने फ्लैट ब्रश पर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे कर लिया है मैंने अपने इस ब्रश पर, और इसकी हेल्प से मैं ये ग्रीन कलर लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर ले रही हूँ, ये शिमर शेड है, तो इसे मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से लगा लूँगी। और जहाँ तक मैंने ग्रीन कलर लगाया है अपनी हाफ आईलिड पर, वहीं पर मैं ये शिमर लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मैक का आईलाइनर लगा रही हूँ। आप चाहें तो विंग्ड भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल भी लगा सकते हैं। और इस मेकअप लुक को जो भी नई दुल्हन है वो भी कर सकती है इस तरीके से, अगर करना चाहते हैं तो। अब मैंने यहाँ पर मस्कारा लगा लिया है मैक का, और मैं यहाँ पर मस्कारा के 2 से 3 कोट अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो फॉल्सेस वियर कर सकते हैं, फॉल्स लैशेस अगर पहनना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मस्कारा के सिर्फ 2 से 3 कोट लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यही ग्रीन कलर जो कि मैंने अपनी आईलिड पर लगाया था, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी। अब मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी ब्राउन कलर की शेड की हेल्प से। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से गाइज हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है, एक जुनून आता है, एक जज्बा आता है काम करने का, एक बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई चैनल को लाइक करता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है, हमारी वीडियोज़ को पसंद करता है, तो हमारे अंदर काम करने का जो जुनून है वो दुगना हो जाता है कि हमें और मेहनत करनी है और अच्छी अच्छी वीडियोज़, हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आनी है। Thank you.
और यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। हो सकता है आपको कैमरा में चेंज नज़र आए कलर थोड़ा। मैं यहाँ पर ये लैक्मे की लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये लिक्विड लिपस्टिक है, मैंने नॉर्मल मार्केट से परचेज़ की थी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर फेसिस कैनाडा का काजल लगा रही हूँ। सॉरी मैं काजल लगाना भूल गई थी, तो मैं एंड में लगा रही हूँ काजल। अब मैं हाईलाइटर लगा लूँगी अपने इनर कॉर्नर्स में, ब्रो बोन पे। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज़ ये बिल्कुल फ्री है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और गाइज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये लुक कैसा लगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।